अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज का हमारा डॉन एडिटोरियल ओपिनियन विद ट्रांसलेशन है, ये हमारे करंट अफेयर को भी कवर करेगा सीएसएस के लिए, और पीएमएस की जीकी को भी कवर करेगा, और ऐसे में भी हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इजराइल पार्टनर, इजराइल का साथी, इजराइल पार्टनर, इजराइल का साथी, द राइटर इज अ फॉर्मर एम्बेसिडर, इज एजेंट प्रोफेसर जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी एंड विजिटिंग सीनियर रिसर्च फेलो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ट्रांसलेट, मुसनिफ साबिक सफीर, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के मुंसलिक प्रोफेसर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के वार्निंग सीनियर के विजिटिंग सीनियर रिसर्च फेलो हैं। नो यूएस पॉलिसी शेम्स इट्स प्रोफेशनल वैल्यू बेस्ड फॉरेन पॉलिसी एज मच एज इट्स इजरायली पॉलिसी। वाशिंगटन हैज बीन इफेक्टिवली सिटिंग ऑन द साइड लाइन इन कंटेंप्ट ऑफ वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन व्हाइल सम 30,000 सिविलियन मेनली वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव बीन स्लॉटर्ड इन गजा। कोई भी अमरीकी पॉलिसी इस कदर अपनी कदर पर अपनी खारजा पॉलिसी को इतने शर्मिंदा नहीं करती जितना इसकी इजराइल पॉलिसी है। वाशिंगटन आलमी राय आमा की तौहीन करते हुए मवसर तरीके से साइड लाइन पर बैठा हुआ है, जबकि गजा में तकरीबन 30,000 शहरी जिसमें खास तौर पर खवातीन और बच्चे हैं जिबा किए जा चुके हैं। 75 ईयर्स ऑफ मैसिव यूएस मिलिट्री एड एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस हैव बीन द बेडरॉक ऑफ इजराइल नेशनल पावर्स। अमेरिका एब्सोल्यूट पॉलिटिकल सपोर्ट, स्पेशली इट्स विलफुल एडवोकेसी एट यूएन, हैज शील्डेड इजराइल फ्रॉम पनिशमेंट फॉर इट्स रॉन्ग्स, इनसाइटिंग मोर ऑफेंसेस एंड मोर यूएस सपोर्ट। व्हाई शुड द यूएस नॉट बी कंसीडर्ड कंप्लीसेंट इन इजराइल इन ह्यूमैनिटी इन गजा। 75 साल से फौजी इमदाद और माली इमदाद इसराइल की कौमी ताकत की बुनियाद रही है। अमेरिका की मुकम्मल सियासी हिमायत खास तौर पर अकवामी मुत्तहदा पर इसकी जान बूझ कर वकालत ने इसराइल को इसकी गलतियों की सजा से बचा लिया, मजीद जराइम पर उकसाया और मजीद अमरीकी हिमायत की। गजा में इसराइल की इंसानियत सोच कार्रवाइयों में अमरीका को क्यों शरीक ना समझा जाए। वी आर मिस्टेकन इफ वी एट्रीब्यूट वाशिंगटन आयरन क्लेड सपोर्ट simply to the work of a state lobby, AIPAC, as it is embedded in American body politics, where its influence is pervasive and deep-rooted, granted Washington need a reliable ally to look after its strategic and economic interest in the Middle East, but over the decade, a bevy of high-profile Israeli sympathizer in think tank community, मीडिया एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड हैव एग्जिजरेटेड इजराइल वैल्यू एज एन अलाय एंड इट्स वल्नरेबिलिटी इन द रीजन टू मेक अ केस फॉर द पॉलिसी ऑफ एंडस यूएस सपोर्ट एंड द रिस्क ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन इजराइल। अगर हम वाशिंगटन के फरादी हिमायत को महज इसराइली लॉबी AIPAC के साथ काम से मुंसलिक करते हैं तो हम गलती पर हैं। इसराइल अमरीका की जिस्मानी सियासत में सरियत कर गया है, जहां इसका असर रसूख वसी और गहरी है। वाज़ेह है कि वाशिंगटन को मशरिक वस्ता में अपनी तरवीजियाती और इक्तिसादी मफादात की देख भाल के लिए एक काबिल एतमाद इतिहादी की जरूरत है, लेकिन कई दहाइयों के दौरान थिंक टैंक कम्युनिटी और मीडिया और मालियाती दुनिया में इसराइल के हमदर्दियों की एक बड़ी तादाद ने इसराइल की इतिहादी के तौर पर कदर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। खतरे में इसकी कमजोरी को अमेरिका की लामतनाई हिमायत की पॉलिसी के लिए एक केस बनाना है। इसराइल पर दबाव डालने के खतरात, नॉट जस्ट द एग्जीक्यूटिव ब्रांच बट कांग्रेस एज वेल हैज बीन आवर कमिटी टू इजराइल एज प्रेशर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन लार्जली फॉर्म्ड बाय इजराइल सिंपथाइजर एंड देयर क्रिश्चियन राइट एलाई एंड द लीडर ऑफ द कैंपेन फंडिंग और जस्टिफाइड बाय द AIPAC हैव हिप्नोटाइज्ड अमेरिकन पॉलिटिशियन पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स हैव अलाइन्ड टू एनहांस
American Support for Public and Diminishing Washington Leverage. It is complete confidence in the support that has incited Israel intransigence. The Gaza has brought little changes to the U.S. position. ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच बल्कि कांग्रेस भी राय आमा के दबाव के तौर पर इसराइल की लिए हद से ज्यादा अहद बसता रही है, जो बड़े पैमाने पर इसराइल की हमदर्दों और इसके एशियाई दाइन इतिहाद के जरिए तश्कील दी गई है, और मुहिम की फंडिंग के लालच में जो AIPAC के जरिए तरतीब दी गई है ने अमरीकी सियासतदानों को हिप्नोटाइज किया है। पॉलिसी और सियासत ने इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत को बढ़ाना और वाशिंगटन के लिए ब्रेज को कम करने के लिए इतिहाद किए हैं। ये इसकी हिमायत पर मुकम्मल इत्मीनान है जिसने इसराइल के हर धर्मी को हवा दी है। गजा तनाजा ने अमरीकी मौकफ में मामूली तब्दीली लाई है। द ब्लैंकेट यूएस प्रोटेक्शन एंड सिंपैथी दस गिवन हैज इनेबल्ड इसराइल टू वायलेट पैलेस्टीनियन राइट फॉर इट्स अनरिस्ट्रेंड एक्सपोनेंशियलिस्ट पॉलिसी विदाउट एनी पोलिटिकल कॉस्ट। Acclaimed Harvard professor Stephen Walt summarized this well in his articles, America is the root cause of Israel and Palestinian latest war in foreign policy. इस तरह दिए गए कंबल अमरीकी तहफ़ुज़ और हमदर्दी ने इसराइल को बगैर किसी सियासी कीमत के अपनी बेलगाम तोसी पसंदाना पॉलिसियों के लिए फलस्तीनियों के हकूक के खिलाफ वर्जी करने के काबिल बनाया है। हार्वर्ड के मशहूर प्रोफेसर स्टीफन वॉल्ड ने अपने मजमून अमरीका इसराइल और फलस्तीन की ताजा तरीन जंग की जड़ है में खारजा पॉलिसी में इसका खुलासा किया है। द गजा कॉन्फ्लिक्ट हैज ब्रॉट लिटिल चेंजेस टू द यूएस पोजीशन। जो बाइडेन नॉन टू बी द मोस्ट प्रो इजराइल प्रेसिडेंट एवर हैज नो एम्पैथी फॉर फलस्तीनियन ही इज टेकिंग अ मिनी My list approach by focusing only on the humanitarian issue, and even here he is not putting enough pressure on Israel. He is fighting tough election where he is under siege on many fronts, immigration, economy, and to see weakness in meeting foreign policy challenges. Gaza tanaza ne Ambeki mokif mein mamuli tabdil lai hai, jo ab tak kiye sabse zyada Israel nawaz sadr ke taur par jane jate hain, फलस्तीनियों के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखते। वो सिर्फ इंसानी मसले पर तवज्जो देकर एक मर्सा अंदाज अख्तियार कर रहे हैं, और यहाँ तक कि वो इसराइल पर खातिर का दबाव नहीं डाल रहा, वो एक सख्त इलेक्शन लड़ रही हैं जहाँ वो बहुत से महाजों पर मुहासरे में हैं। इमिग्रेशन, माशियत और खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस का मुकाबला करने में समझी जाने वाली कमजोरियाँ। In this fraught environment, the last thing Biden want to alienate the majority of voters by pressurizing Israel. Israeli Prime Minister Netanyahu will not yield to pressure, and he is hoping it will cause Biden to lose the Muslim vote in key swing state, and thus lose to Trump. His preferred choice he will prolong the war till election. इस भरे माहौल मैं बाइडन आखिरी चीज वो चाहता है जो इसराइल पर दबाव डालकर वोटों की सीट को अलग करना है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बहरहाल दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। उम्मीद है कि इसकी वजह से बाइडन अहम रियासतों मुस्लिम वोटों से महरूम हो जाएंगे और इस तरह ट्रंप से हार जाएंगे, जो इनका पसंदीदा इंतखाब है। वो इंतखाबात तक जंग को तोल दे सकते हैं। टू एस्केप द डिलेमा ऑफ वेदर और नॉट to put pressure on Israel, Biden is seeking Saudi help to hold out the promise of normalization with Israel to get Netanyahu's support for the two-state solution. The Saudis are not going to oblige without any irrevocable process of establishing a Palestinian home, and Netanyahu is not interested in normalization. He has added the tragic event of October 7 to Israel and long list of ablies to deny the Palestinian their rights and resume his expansionist policy with vengeance. Israel पर दबाव डालने या ना करने के मखमे से बचने के लिए बाइडन दो रियासी हल के लिए नेतन्याहू की हिमायत हासिल करने के लिए इसराइल के साथ मामूल बनाने के वादे को निभाने के लिए सऊदी मदद की कोशिश कर रही हैं। सऊदी फलस्तीनियों के घर के क्याम के अटल अमल के बगैर इसके पाबंद नहीं होंगे, और नेतन्याहू को मामूल बनाने पर में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसमें फलस्तीनियों को इनके हकूक से महरूम करने और इंतकाम के साथ अपने तस्दीक पसंदाना पॉलिसियों को दोबारा शुरू करने के लिए
سات اکتوبر کے المناک واقعات کو اسرائیل کے طویل فرست میں شامل کیا ہے. موز ان کانگریس بائی پروگریسو پولیٹیشین ان دی ڈیموکریٹک پارٹی ٹو اٹیچ کنڈیشن ٹو ایڈ اسرائیل ان دی فارن افیئرز ایکٹ ول ناٹ سکسیڈ ایون ایف ڈز سچ کنڈیشن کین آلویز بی ویوڈ بائی پریزیڈنٹ آن اٹس تھریٹ آف یونیلیٹرل یو ایس الیکشن ول ورک دیٹ وڈ ناٹ ہیپن ناٹ ان دی الیکشن ایئرز. ڈیموکریٹک پارٹی کے ترقی پسند سیاستدانوں کی طرف سے کانگریس میں خارجہ امور کے ایکٹ میں اسرائیل کی امداد کے شرط لگانے کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. اگر ایسا ہوتا تو بھی صدر کی طرف سے ایسی شرائط کو ہمیشہ معاف کیا جا سکتا ہے. صرف ایک طرفہ امریکی کارروائی کی دھمکی ہی کام کرے گی. ایسا نہیں ہوگا انتخابی سال میں نہیں. امریکہ ڈز ناٹ ریئلائز ہاؤ مچ انفلوئنس اٹ وڈ ہیو ہیڈ ان دی ریجن اینڈ لارجر مسلم ورلڈ. امریکہ ڈز ناٹ ریئلائز ہاؤ مچ انفلوئنس اٹ وڈ ہیو ہیڈ ان دی ریجن اینڈ دی لارجر مسلم ورلڈ ہیڈ اٹ ناٹ اپلینڈڈ اٹ سیلف ٹو آلریڈی ایکسپینشنزم. واشنگٹن ابیلٹی ٹو شیپ اینڈ انفلوئنس ایونٹ ان دی ریجن از ناؤ چیلنجڈ بائی چائنا, مینسڈ بائی ایران, ڈرائیورڈ بائی انڈیا اینڈ ہنڈرڈ بائی سعودی عربیا آن مینی ایشوز. امریکہ از واکنگ الون. امریکہ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر وہ اسرائیل کو توسیع پسندی سے منسلک نہ ہوتا تو اس کے خطے اور بڑے مسلم دنیا میں کتنا اثر ہوتا. خطے میں واقعات کو تشکیل دینے اور ان پر اثر انداز ہونے کی واشنگٹن کی صلاحیت کو اب چین نے چیلنج کیا ہے. ایران کی طرف سے خطرہ ہے, بھارت کی طرف سے حریف ہے, اور سعودی عرب کی طرف سے رکاوٹ ہے, اور بہت سے معاملات پر امریکہ تنہا چل رہا ہے. بوتھ دی یو ایس اینڈ اسرائیل آر لاکڈ ان پالیسیز دیٹ آر ناٹ اونلی نارملی مورلی بینکرپٹ بٹ آلسو گو اگینسٹ دیئر ریسپیکٹو نیشنل انٹرسٹ. دی پیلسٹینین فردر ڈیپینڈ آن دی چینج آف پالیسی ود ان دی یو ایس اینڈ اسرائیل. اٹ ول بی ڈفرنٹ امریکہ اینڈ اسرائیل ویئر دس چینج ٹیک پلیس. ان امریکہ پالیسیز ہیو ریکور دی مورل پرپز دی یو ایس آلویز کلیمڈ بٹ ریئرلی میجرڈ اپ ٹو ان اسرائیل ایز دا ہیتھرز ایڈیٹر ان چیف سیڈ ان ریسنٹ آرٹیکل ان فارن افیئرز. اسرائیل کانٹ ایکسپیکٹ اسٹیبلٹی اف دے کنٹینیو ٹو اگنور پیلسٹینین اینڈ ریجیکٹ دیئر ایسپائریشنز دیئر اسٹوری اینڈ ایون پریشر. دی رائٹر از فارمر ایمبیسڈر ان ایجوکینڈ پروفیسر جان ٹاؤن یونیورسٹی اینڈ وزٹنگ سینئر ریسرچ فیلو نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور. امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی پالیسیوں پر جڑے ہوئے ہیں کہ جکڑے ہوئے ہیں, جو نہ صرف اخلاقی طور پر دیوالیاں ہیں بلکہ ان کے متعلقہ قومی مفادات کے خلاف بھی ہیں. فلسطین کے مستقبل کا دار و مدار امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کی تبدیلی پر ہے. جہاں یہ تبدیلی آئے گی یہ الگ امریکہ اور اسرائیل ہوں گے. امریکہ میں پالیسیوں کا اخلاقی مقصد کو بحال کرنا, اور اس کا امریکہ نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے لیکن شاذ و نادر ہی اس کی پیمائش کی جاتی ہے. اسرائیل میں جیسا کہ ہارٹس کے ایڈیٹر ان چیف نے امور خارجہ کے ہرے مضمون میں کہا ہے کہ امریکی اسرائیلی استحصال کی توقع نہیں کر سکتے. اگر وہ فلسطینیوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو ان کی امنگوں اور ان کی کہانی اور یہاں تک کہ ان کی موجودگیوں کو مسترد کرتے رہیں گے.